हेलो दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा अपने इतिहास के लेक्चर सीरीज में आज हिंदू आर्य सभ्यता का दूसरा लेक्चर का बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए हम ध्यान से देखते हैं सिंधु आर्य सभ्यता के दूसरे लेक्चर में। मैंने पहले लेक्चर में सिंधु आर्य सभ्यता के नामकरण, कालक्रम, विस्तार के बारे में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से चर्चा किया था, और आज के लेक्चर में हम लोग महत्वपूर्ण स्थल के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे और उनकी विशेषताएं क्या थी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो जब हम सिंधु आर्य सभ्यता पढ़ते हैं तो इसमें हम महत्वपूर्ण स्थल की बात करते हैं, तो इसमें सात ऐसे स्थल है जिसको नगर की संज्ञा दी गई, जिसे नगर कहा गया, और बाकी उसके बाद जितने भी स्थल हैं वो हमारा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो नगर, जिसको नगर की संज्ञा दी गई है, जो बड़े बड़े स्थल है नगर की संज्ञा दी गई है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे सातों स्थल के बारे में। ठीक है, तो नगर की संज्ञा किसने दी गई है, तो हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनवाली, धोलावीरा और चरहुद। तो ये हमारे सात स्थान जिसको नगर की संज्ञा दी गई है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। और 15-20 स्थल हो गए जो कि इम्पोर्टेंट है हमारा, उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम का 90% पार्ट इसी से पूछेगा और 10% में वो है। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। हम लोग एग्जाम के, अगर हम एग्जाम के व्यू से देखते हैं तो उनको नगर वाला पढ़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम एक करके आइए देखते हैं, पहले हड़प्पा को देखते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा टॉपिक डालिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि हड़प्पा है कहाँ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, मैंने आपको पिछले लेक्चर बताया था कि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और ये रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान पंजाब के मोंटेगरी जिला, ठीक है, जिसको वर्तमान में हम साहिवाल जिला बोलते हैं। ठीक है, ये वर्तमान में, तो हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगरी जिला के रावी नदी के बयान तट पे स्थित है, ये हड़प्पा स्थल है। ठीक है, जब खोया गया था तो उसमें मोंटेगरी जिला था, अब आधुनिक में साहिवाल जिला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं
कि जो इस स्थल का खोज हुआ तो इसमें मेन मेन भूमिका किसने निभाया, जब इस स्थल का खोज हुआ था तो निदेशक, मैंने कल ही बताया था हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा था सिंधु सभ्यता को, तो निदेशक थे हमारे जॉन मार्शल, जिनके बारे में बोला था ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के निदेशक थे, प्रथम निदेशक थे हमारे, ठीक है, ये जॉन मार्शल हो गए। और उत्खननकर्ता की बात करते हैं, जिसने उत्खनन करवाया, उत्खननकर्ता इनके बारे में मैंने बताया था आपको, दयाराम शाह, जो 1921 में किए थे, 1921 में दयाराम सानी, ठीक है। और अगर बात करते हैं सहायक, इनके साथ और कौन था, तो सहायक में माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में बता दिया आपको कि पंजाब प्रांत के मोटेरी जिला में है इनका, इनके जो खोज में मेन भूमिका उनके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब आइए हम देखते हैं हड़प्पा के बारे में, जो हड़प्पा का जो शहर था वो कैसे था, ठीक है। इसको मिटाते हैं, हड़प्पा का जितने भी स्थल अधिकांश स्थल देखेंगे तो दो भाग में बांटा हुआ था, ठीक है। एक हमारा पूर्वी भाग, एक हमारा पश्चिमी भाग, ठीक है। जो पूर्वी भाग था उसमें हमारे मध्यम वर्गीय लोग रहते थे, हमारे इसमें कृषि किसान रहते थे, व्यापारी रहते थे, जो भी हमारा जो मध्यम वर्गीय था, ठीक है। और ये पश्चिमी भाग था, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे दुर्ग, ठीक है, दुर्ग बोलते थे। और ये जो हमारा पूर्वी भाग था इसको हम लोग बोलते थे नगर, ठीक है। तो जो पश्चिमी भाग था, सॉरी पूर्वी भाग था, उसको नगर की संज्ञा दिया गया था, और जो पश्चिम भाग था इसको हम लोग दुर्ग की संज्ञा दिए थे, ठीक है। अब देखिए जो दुर्ग था ये चारों तरफ से बाउंड्री क्या होता, चारों तरफ से बाउंड्री मारा होता, चार दीवारी, ठीक है, ये चार दीवारी। अब ये क्यों दिया गया होगा, ये रक्षा के लिए दिया होगा कि कोई बाहरी आक्रमण ना हो, ठीक है। और ये जो नगर है इससे ऊंचाई पर था दुर्ग, ठीक है, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो पहले यहाँ हो, ये ना बर्बाद हो, ठीक है। तो ये हमेशा ऊंचाई पे जहां भी था दुर्ग हमेशा ऊंचाई पे रहता था, दुर्ग को चारों तरफ से चार दीवारें दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ रहते थे पुरोहित वर्ग, यहाँ रहते थे प्रशासक वर्ग, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो राज करते थे, जो चलाते थे शासन, मतलब प्रशासक और पुरोहित वर्ग यहाँ रहते, ठीक है। तो ये हमारा दुर्ग था, और ये चार दीवारी था, इसकी बाहरी जो था ना वो बाहरी भाग था जो पक्की ईंटों से बना हुआ था, और जो अंदर का जो भाग था इसका ये कच्ची ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। बाहरी भाग पक्की ईंटों से बने थे, और जो अंदर का भाग था वो हमारा कच्चा ईंटा से बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते हैं, ये जो हमारा ये दुर्ग था, दुर्ग के उत्तर में एक और एरिया था वहां पे हम देखते हैं, तो कुल मिला के यहां पर 12 अन्नागार, 12 अन्नागार मिलता है, ठीक है, जिसको हमारे इसका नाम दिया गया है एफ
और ये हमारे ध्रुव को नाम दिया गया था ए बी, ये नाम है ठीक है, ये इस शेप का नाम था ठीक है, इस एरिया का नाम दिया था, इसका ए बी नाम था और इसको एफ टीला बोला गया, इसको ए बी टीला, इसको एफ टीला ठीक है। तो एफ टीला की अगर बात करते हैं तो एफ टीला में 12 अन्नागर था ठीक है, 12 अन्नागर था और इधर अगर हम देखते हैं तो 15 श्रमिक भवन था, श्रमिक भवन जहां पे श्रमिक लोग रहते थे, श्रमिक भवन, ये संख्या 15 थी ठीक है। और जब बीच में बात करते हैं बीच में क्या था, तो बीच में हमारा 18 ठीक है, 18 वृत्ताकार चबूतरे थे, वृत्ताकार चबूतरे ठीक है। तो 12 अन्नागार था, 15 श्रमिक भवन था और 18 वृत्ताकार चबूतरे थे। तो माना जाता है कि यहाँ अन्नागार से अन्न लेते थे, यहाँ पे कुटाई होता था अन्न का, और जो श्रमिक जो कुटाई करते थे अन्न का, कुटाई ठीक है, कुटाई छटाई जो भी गेहूं या चावल का जो भी, तो वो हमारे श्रमिक भवन के जो भी मजदूर थे वो हमारे इसमें रहते थे श्रमिक भवन में ठीक है। तो यहाँ से गेहूं और जौ का भी साक्ष्य मिला, यहाँ से गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो एफ टीले में जो अन्नागार से अन्न लेता था यहाँ पे कुटाई होता था, और जो श्रमिक जो इसमें काम करते थे वो यहाँ पे श्रमिक भवन में रहते थे ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर हम पूर्वी भाग की बात करते हैं कि पूर्वी भाग में क्या क्या चीज था, तो पूर्वी भाग अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी भाग से हमको मिला क्या क्या, नीचे लिखते हैं पूर्वी भाग से हमको मिला है तांबे की इक्का गाड़ी ठीक है, और यहां से मिला है सर्वाधिक अभिलेखीय ठीक है, जो उस समय का जो मुहर चलता था, मुहरे तो कहने का मतलब सिक्का ठीक है, तो वो सिक्का तो सबसे ज्यादा हमारा मिला है मोहनजोदड़ो से, लेकिन अगर अभिलेखीय मोहरे की बात करेंगे जिसमें कुछ लिखा हुआ था, तो सबसे ज्यादा अभिलेखीय मोहरे हमारा कहां से मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है। तांबे की इक्का गाड़ी कहां से मिलती है, तो हड़प्पा से मिलता है। हमारा 12 अन्नागार कहां से मिलता है, तो हड़प्पा से मिलता है ठीक है। और यहां से क्या मिला इसके बारे में देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो से और क्या क्या, सॉरी हड़प्पा से और क्या क्या मिला इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाँ, अगर 18 वृत्तकार चबूतर की बात करते हैं, ये भी हमारा कहां से मिला है, हमारा हड़प्पा से मिला है ठीक है। तो हड़प्पा में और कुछ इंपॉर्टेंट ना है नहीं, हड़प्पा में जो भी था मैंने बता दिया आपको। अब आगे हम चलते हैं, इसके बाद चलते हैं मोहन जोदड़ो पे ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सबसे जो इंपॉर्टेंट है हमारा मोहन जोदड़ो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहन जोदड़ो, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज मिले हैं और ये इंपॉर्टेंट है। मोहन जोदड़ो का मूवी बना था ठीक है। तो मोहन जोदड़ो की अगर बात करते हैं तो पहले आइए हम बात करते हैं ये है कहां, मोहन जोदड़ो है कहां। देखिए, हम अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा ही पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान के ये पंजाब प्रांत में ना होकर ये कहां है हमारा, सिंध प्रांत में हमारा मोहनजोदड़ो। मैंने सिंध प्रांत में आपको बताया था मोहनजोदड़ो चनहुद्रो ठीक है, तो ये सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, अभी नदी की बात करते हैं हड़प्पा रावी नदी की, रावी के बाएं तट पे था तो ये सिंधु के दाएं तट पे है, सिंधु के दाएं तट पे। ऐसे भी सिंधु मोहनजोदड़ो सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के किनारे ही होगा ठीक है, तो सिंधु के दाएं तट पे ठीक है।
अब देखिए हम अगर इसकी बात करते कि सब खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी, ठीक है, तो मोहनजोदड़ो खोज करने वाले राखल दास बनर्जी और हड़प्पा खोज करने वाले हमारे दयाराम सानी थे, ठीक है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, तो जॉन मार्शल साहब का कहना है, जॉन मार्शल साहब का कहना है कि मोहनजोदड़ो ने 7 बार बाढ़ आया, 7ों बार ये फिर शहर फिर से बना, 7 बार बाढ़ आया, 7ों बार ये शहर फिर से बना, इसके बारे में है, ठीक है। 7 बार बाढ़ आया, जितने बार बाढ़ आया इसका पता नहीं हुआ, फिर से ये बना, ये मार्शल साहब का कहना है, ठीक है। फिर उसके बाद के यू आर कैनेडी साहब का कहना है, के यू आर कैनेडी महोदय का कहना है, कैनेडी, ठीक है, के यू आर कैनेडी महोदय का कहना है कि मलेरिया के प्रकोप से इसका पतन हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में हम देखने की है, कहाँ किस नदी किनारे सब खोज किसने किया, और विभिन्न विभिन्न इतिहासकारों और जो भी हमारे पुरातत्व के विभाग के जो भी एक्सपर्ट है उनका ये कहना है, ठीक है, इनके बारे में हम देख लिए। हाँ, एक चीज और देखते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या था अगर सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी शहर का, तो इसकी इसी का, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या था हमारा मोहनजोदड़ो का, जनसंख्या कितना था, 35 से 40 हजार, ठीक है, 35 से 40 हजार जनसंख्या था। और ये किस प्रजाति के लोग यहाँ थे, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति, ठीक है। हम आगे जब इसका सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो पता बताएंगे आपको कि मोहनजोदड़ो में कौन कौन से प्रजाति के लोग रहते थे, भूमध्य सागरीय हो गए, ऑस्ट्रेलॉयड हो गए, मंगोलॉयड हो गए, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी का था, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा स्थल तो हमारा गणेरी वाला होता है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा स्थल देखते तो मोहनजोदड़ो, दूसरा सबसे बड़ा स्थल, दूसरा हमारा सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। और जनसंख्या दृष्टि देखेंगे सबसे बड़ा तो यही हो जाएगा, और अगर क्षेत्रफल दृष्टि देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा स्थल हमारा हो जाएगा मोहन जोदाड़ो। तो अगर इसको आपको लिखना है तो लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। अब देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में क्या क्या इनका, इसका बहुत सारे नाम है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का बहुत सारे नाम दिया गया है। तो पहला तो इसको बोला गया हमारा मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, प्रेत, प्रेतों का टीला या नगर, जो भी टीला या नगर। तो पूछा है कि जाम में कि कौन सा ऐसा स्थल है उसको मृतकों का टीला बोलते हैं, तो मोहन जोदड़ो, मृतकों का टीला भी तो मोहन जोदड़ो। और इसके बाद इसके बारे में और बोला जाता है ये सिंधु का बाग, अभी हम मोहन जोदड़ो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंधु का बाग, ठीक है, ये ज्यादा डेवलप था या ज्यादा जो भी हमारा कृषि ज्यादा होता था, ठीक है, तो इसको मोहन बोले क्या, सिंधु का बाग मोहन जोदड़ो को, ठीक है। और स्टुअर्ट पिगट महोदय का कहना है, स्टुअर्ट पिगट महोदय का कहना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानी थे, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है, जुड़वा, ठीक है, अस्टोर पिगट ने बोला है इसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसके बनावट, इसके संरचना के बारे में, जैसे कि हम हड़प्पा में देखें, ठीक है, अब इसके संरचना के बारे में देखते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा की तरह यहां भी होगा हमारा पूर्वी और पश्चिमी भाग, जिसको एक को दुर्ग बोलेंगे और एक को नगर की संज्ञा,
है, ये हमारा घेरा होगा, घेर देते इसको हम ब्लैक पेन से, फिर अच्छा पैच इसको बोलते हैं। और ये हमारा हो गया पूरी भाग, ये हमारा हो गया पश्चिम भाग, ठीक है। देखिए मैंने पहले बताया था कि पूर्वी भाग में कौन कौन से लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, इसमें हमारा कृषि कृषि लोग हो रहे हैं, व्यापारी हो गए हैं, ठीक है। और बाकी हम इसकी बात करते हैं प्रशासक लोग रहते हैं, पुरोहित लोग रहते हैं, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो पश्चिम भाग यहाँ पे बताया कि मैं दुर्गीकृत भाग था, इसको दुर्ग बोलते थे, चार दीवारी से घिरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो में सेम चीज है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो जो भी संरचना मिला, संरचना कौन कौन सा है, ठीक है। तो हम बात करते हैं संरचना की, ठीक है, मैं बना रहा हूँ संरचना ऐसे ही, ठीक है। तो संरचना की बात करता हूं तो यहाँ पे एक सभा भवन मिला, सभा मतलब यहाँ के पुरोहित लोग, प्रशासक लोग यहाँ पे सभा लगाते थे, फिर कोई चीज निर्णय होता था, ठीक है। यहाँ सभा भवन मिला है, एक यहाँ मिलता हमारा पुरोहित आवास, ठीक है, यहाँ पुरोहित आवास मिला है, पुरोहित लोग रहते थे, पहले मैंने डिस्कस किया इसके बारे में। महाविद्यालय मिला है, ठीक है, यहाँ महाविद्यालय मिला है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे जो घर मिला है ना, जो मोहनजोदड़ो में जो भी घर मिले हैं हमारे, उस घर में एक कुआं, उस घर में कुआं मिला है। और बात करते हैं उस घर में दो तीन कमरे मिले हैं, और बात करते हैं तो दो तीन मंजिला घर है, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पे जो दुर्ग में जो भी घर मिले हैं वो दो तीन मंजिला मिला है, उसमें दो तीन कमरे भी हैं, फिर इसमें कुआं भी है, फिर और बात करते हैं इसमें हम तो इसमें स्नानागार भी है, तो सब में नहाने का भी है, कुआं से पानी आता होगा स्नानागार में, ठीक है। तो यहाँ पे एक संरचना मिला है, और एक संरचना जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा मिला है यहाँ पे, बृहत स्नानागार, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्नानागार, बहुत ही बड़ा एरिया में, ठीक है, ये बृहत स्नानागार यहाँ मिला है, ठीक है। सीढ़ी था इसमें, इसमें पानी रहता था, ठीक है, नहाने के लिए। तो इसका मान्यता ऐसा है कि बृहत स्नानागार का यूज होता था हमारा को भी धार्मिक कार्य के लिए, धार्मिक स्नान के लिए यूज होता था, ठीक है। तो ये बृहत स्नानागार मिला है, इसका जो भी पानी निकलने का जो एरिया था इधर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में था, दक्षिण पश्चिम दिशा में था, ठीक है, ठीक है। ये हमारा बृहत स्नानागार मिला है। और बात हम करते हैं इसमें और क्या मिला है, तो इसमें हम देखते हैं एक अन्नागार, अन्नागार की बात करते हैं तो हमारा अन्नागार हड़प्पा में मिला था, हड़प्पा में एफ टीले मिला था, वो भी 12 अन्नागार मिला था, लेकिन जो यहाँ पे अन्नागार मिला है सबसे बड़ा अन्नागार, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संरचना भी बोलते हैं, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में उससे बड़ा संरचना कोई भी नहीं था, चाहे वो स्नानागार हो या कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ा हमारा संरचना की बात करते हैं तो हमारा ये अन्नागार था, जो कि हमारा मोहनजोदड़ो से मिला, ठीक है, ये ठीक है। और अगर हम देखते हैं बृहत स्नानागार के बारे में, तो बृहत स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल साहब का कहना है कि विश्व की तत्कालीन आश्चर्य, ठीक है, ठीक है। जॉन मार्शल साहब का कहना है कि जो बृहत स्नानागार है वो विश्व का तत्कालीन आश्चर्य का इसको संज्ञा दिया गया, ठीक है, किसको, तो हमारा बृहत स्नानागार, ठीक है।
अब हम आते हैं इसके पूर्वी भाग में, ठीक है, इसके पूर्वी भाग में आते हैं। हम दुर्ग के बात कर लिए, दुर्ग जो कि रक्षा प्राची से घिरा होता है, अब हम आते हैं इसके पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी भाग में इसके क्या क्या था, ठीक है। तो पूर्वी भाग से पहले हम देखते हैं, पूर्वी भाग से हमारा 1200 मोहरे मिले, ठीक है, पूर्वी भाग से 12 मोहरे मिले जो बर्गाकार आकृति का था, ठीक है, बर्गाकार आकृति का था, ठीक है, और ये निर्मित था हमारा सेल खड़ी से, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम में आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी मोहरे थी वो किससे बना हुआ था, तो हमारा सेल खड़ी, मटेरियल की बात करते हैं तो सेल खड़ी, और ये बर्गाकार मोहरे कहां से मिले, तो हमारा मोहन जोदड़ो से। और एक बात हम कहते हैं, तो यह सूती वस्त्र में चाकू, एक चाकू चाकू मिला लपेटा हुआ, ठीक है, सूती वस्त्र में एक चाकू मिला लपेटा हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में आया हुआ सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्या उनके पास सूती कपड़े का नॉलेज था, मैं सूती का साक्ष्य कहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो हाँ सिंधु घाटी सभ्यता में सूती का साक्ष्य मिला है, ठीक है, इनके पास सूती कपड़े का नॉलेज भी था इनके पास, तो ये कहां से मिला हमारा मोहन जोदाड़ो में, सूती कपड़े में लपेटा हुआ चाकू मिला, तो सूती कपड़ा और चाकू कहां से मिला है, हमारा मोहन जोदाड़ो से मिला। और एक बात करते हैं, एक नर्तकी का मूर्ति मिला है, ठीक है, एक मूर्ति मिला है, एक महिला है उसमें नर्तकी है, वो डांस कर रही है, तो नर्तकी का मूर्ति मिला है, और ये बना हुआ हमारा कासा से बना है, कासे की नर्तकी की मूर्ति मिला है, इसकी लंबाई 10 इंच है, ठीक है, इसकी लंबाई 10 इंच है, कासे से निर्मित है ये, ठीक है, कास नर्तकी मूर्ति, और ये जो प्रजाति है किसका है, प्रोटो स्ट्रेलाइट, ठीक है, ये प्रजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मूर्ति है जो उसकी जो आकृति है उसको देखिए, हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि प्रोटो स्ट्रेलाइट प्रजाति का जो भी महिला है वो प्रोटो स्ट्रेलाइट प्रजाति से संबंधित है, तो जो कास की मूर्ति मिली है प्रोटो स्ट्रेलाइट प्रजाति से मतलब संबंधित है। और यहाँ की बात हम करते हैं, यहाँ का रोड है 10, यहाँ का जो रोड है जो 10 मीटर चौड़ा 10 मीटर लंबा है, ठीक है, 10 मीटर चौड़ी रोड मिली है जिसको राजपथ बोला गया है, राजपथ, ठीक है, 10 मीटर चौड़ी रोड मिली है जिसको हम लोग सॉरी हम लोग ने इसको राजपथ बोला गया, ठीक है। और बात करते हैं, तो ये जो राजपथ बना हुआ है ये हमारा पक्की ईंटों से बना हुआ है, ठीक है, मात्र यहां ही रोड है जो कि पक्की ईंटों से बना हुआ है, बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की और भी स्थल है जहाँ की रोड की अगर बात हम करेंगे, जहाँ की सड़कों की बात करेंगे तो वो कच्ची ईंटों से बना हुआ, लेकिन यहाँ का जो रोड बना हुआ है जो हमारा मोहनजोदड़ो का वो जो 10 मीटर चौड़ी जो राजपथ है ये हमारा पक्की ईंटों से बना हुआ, ठीक है। अब हमारा मोहनजोदड़ो में बाकी कुछ बचा नहीं, मोहनजोदड़ो में हमने सारा डिस्कस कर लिया, आइए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला हम चलेंगे लोथल के बारे में। लोथल, तो हम चलिए लोथल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो लोथल का पहले देखते हैं स्थिति कहाँ है, ठीक है, इसकी स्थिति देखते हैं। तो ये लोथल है जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, ठीक है, और ये खंबाते खाड़ी में है और ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। लोथल हमारा अहमदाबाद गुजरात खंबात की खाड़ी और ये भोगवा नदी किनारे, भोगवा नदी। तो हम जब आपको मैप पे बताया था तो हमने पहले बताया था गुजरात के बारे में हम मैंने, ठीक है, कि एक रन ऑफ एक कच्छ, कच्छ के रन में और एक खंबाते खाड़ी का स्थल बताया था। कच्छ के रन का जो स्थल था हमारा था वो हमारा देसरपुर था, ठीक है, हमारा धोलावीरा था, ठीक है, और जब हम बात करते हैं खंबाते खाड़ी का तो उसमें लोथल था, ठीक है,
तो इसमें बात हम करते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा खंभात की खाड़ी का स्थल है, लोथर, ठीक है। ऐसे खोजकर्ता की बात करते हैं तो एसा राव, ठीक है। इसे खोजकर्ता थे हमारे एसा राव, जिन्होंने इसका खोज किया 1954 में, ठीक है। तो लोथल अहमदाबाद में है, खंबात खाड़ी में है, और ये भोगवा नदी के किनारे है, और ऐसा राव ने खोज इनका 1954 में किया, ठीक है। लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा, और लघु मोहन जोदड़ो बोलते हैं, ठीक है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की संज्ञा दी गई है लोथल को, ठीक है, क्योंकि इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती इसमें संस्कृति पाई गई है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिलती जुलती इसमें कुछ लक्षण पाए गए हैं, ठीक है, लोथल में। तो लोथल को हम लोग लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी बोलते हैं, इसको मुर्दों का नगर भी बोलते हैं, ठीक है। इसके पहले मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला या मुर्दों का शहर हम लोग मोहनजोदड़ो को बोलते थे, इसमें मुर्दों का नगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें से 20, यहाँ से 20 समाधियां मिली है, ठीक है, 20 शव समाधियां मिली है यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो लोथल के बारे में अब डिस्कस करते हैं, लोथल के हमारा एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि लोथल का जो नगर था और इसका दुर्ग था क्या था, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, सारे स्थल की तरह यहां भी दुर्ग है और यहां भी नगर है, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि पूर्वी भाग को हम लोग बोलते हैं नगर, नगर की संख्या दी गई है, और जो पश्चिम भाग है इसको बोलते हैं दुर्ग, ठीक है। जब हम लोग देखे थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में, तो हमारा जो ये दुर्ग था, ये दुर्ग ही केवल घिरा होता था, ठीक है, दूर ही चार दीवारें से घिरा होता, लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है, ठीक है, लोथल ऐसा स्थल है जहां नगर दूर के साथ नगर भी घिरा हुआ, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ स्थल हमारा दो है, एक लोथल एक सुर कोटदा, ठीक है। तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए दो स्थल हो गए सिंधु घाटी सभ्यता के, एक लोथल एक सुर कोटदा, ठीक है। और हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की बात किए थे तो उसमें केवल दुर्ग घिरा हुआ था, लोथल और सुर कोटदा की बात करेंगे तो इसमें दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आगे हम चलेंगे, आगे जब दूसरे दूसरे स्थल की बात करेंगे तो उसमें उसमें दुर्ग भी अलग रक्षा प्राचीर से और ये हमारा नगर भी अलग रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आइए हम अभी इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं कि लोथल से मिला क्या क्या हम लोग को, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं पूर्वी भाग के उत्तरी भाग में, ये जो नगर है उसके उत्तरी भाग में हम पहले बताया आपको कि 20 शवधाम मिले, ठीक है, 20 समाधियां मिले, ठीक है, 20 समाधियां मिली हैं। और 20 समाधियां में 3 युग्मित शव मिला, ठीक है, 3 युगल या युग्मित समाधियां, ठीक है। मतलब तीन हमारा यहाँ पे समाधियां मिला, जिसमें दो दो युगल, युगल मतलब उसमें एक मेल एक और फीमेल को दफनाया गया। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सती प्रथा था, ठीक है, सती प्रथा था। तो एग्जाम में पूछेगा कि अगर सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हमारा लोथल से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जहां से सती प्रथा का साक्ष्य मिला है, तो हमारा लोथल से, क्योंकि यहाँ से 3 युगल समाधियां मिली है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि यहां से क्या मिला है, तो यहां से हमारा मिला है रंगाई कुंड, ठीक है, एक कुंड मिला है जहां से माना जाता है कि यहाँ इसमें रंग रहता था, इससे कपड़े रंगाते थे, ठीक है, रंगाई कुंड मिला है। और यहां से बात करते हैं तो आटा के चक्की मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे आटा को पिसा जाता था,
आटा का चक्की मिला है, सॉरी गेहूं के पीछे आता है, ठीक है। तो आटा का चक्की वहां मिला है, यहाँ पे प्रमाण मिला है। और यहाँ से देखते हैं तो मनके के कारखाने मिले हैं, मनके के कारखाने मिले हैं, ठीक है। तो रोहतक से हमारा रंगाई कुंड मिला है, आटा चक्की मिला है और मनके के कारखाने मिले हैं। और इसकी विशेषता तीन युगल समाधियां मिली है, जिसकी विशेषता है कि एक ही रक्षा प्राची से घिरे हुए दो स्थल लोथल और सुरगोड़दा। और यहां से मिला है हमारा धान, चावल और बाजरा का साक्ष, ठीक है। तो धान चावल और बाजरा का साक्ष कहां से मिला हमारा, तो धान चावल बाजरा का साक्ष हमारा मिला है लोथल से, ठीक है। और अगर लोथल की बात करते हैं, लोथल से क्या मिला है, तो लोथल से हमारा वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड मिला है, ठीक है। लोथल से वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड मिला है। लोथल की बात करते हैं तो लोथल से हमारा गोरिल्ला और बारह सिंगा अंकित मोहरे मिली है, ठीक है। मतलब यहां से जो मोहरे मिली है उसमें गोरिल्ला और बारह सिंगा का चित्र अंकित है, ठीक है। यह हमारा कहां से मिला है, लोथल से मिला है। और यहां से देखते हैं तो दो मुंह वाले राक्षस मिला है, ठीक है, जिसके अंकित मुहरे मिली है, जिसे पता चलता है कि इसका संबंध फारस से था, ठीक है। क्योंकि फारस में भी इस टाइप की मुहरे चलते थे, तो इसे हम बता सकते हैं कि फारस में फारस इसका संबंध था, ठीक है। यहां से हो सकता है व्यापार होता होगा लोथल से। ऐसे भी लोथल को बोला जाता है हमारा, ऐसे भी लोथल को बोला जाता है डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं बंदरगाह, ठीक है, या गोदीवाड़ा, ठीक है। लोथल को हम लोग बोलते हैं गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र गोदीवाड़ा या एकमात्र बंदरगाह था, ठीक है। बाकी कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता कोई भी स्थल है जो बंदरगाह नहीं है, ठीक है। एकमात्र स्थल है जो कि गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं यहां से क्या मिला है लोथल से, तो लोथल से एक मिला है हमारा बेलन का मोहरे, ठीक है। लोथल से जो हमारा बर्गाकार मोहरे हो तो मिला ही है, लेकिन साथ ही साथ यहां का जो खासियत है यहां से बेलनकार मोहरे मिले, ठीक है। तो लोथल से सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो गया लोथल का। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तीन युगल समाधियां कहाँ से मिली है, सती प्रथा का कहाँ साक्ष मिलता है, तो लोथल से मिलता है। फिर हम देखते हैं एक ही अर्थात प्राची से घिरा हुआ नगर कौन था, मतलब एक ही अर्थात प्राची से दोनों घिरा हुआ नगर है, मतलब नगर भी है और ये दुर्ग भी है, दोनों हमारा एक ही अर्थात प्राची से घिरा हुआ है, वो स्थल कौन है, लोथल और सुरकोटदा, ठीक है। फिर देखते हैं रंगाई कुंड कहाँ मिला, तो हमारा लोथल में मिला, ठीक है। हम देखते हैं आटा के चक्की का जो भी चक्की का जो प्रमाण कहाँ से मिला, लोथल से मिला है। मन के कारखाने कहाँ से मिले, तो ये भी लोथल से मिला है। और अग्निकुंड की बात करते हैं तो वृत्ताकार अग्निकुंड और बर्गाकार अग्निकुंड कहाँ से मिला, ये भी हमारा लोथल से मिला। तो लोथल को हम लोग क्या बोलते हैं, गोदीवाड़ा, डॉकयार्ड या बंदरगाह। तो लोथल में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चलेंगे चंद्रों के पास। चंद्रोद्रो, अब देखते हैं चंद्रोद्रो की स्थिति, चंद्रोद्रो है कहाँ। तो चंद्रोद्रो भी हमारा सिंध प्रांत में है, कहाँ,
तो ये पाकिस्तानी। मैंने अपने लेक्चर में बताया अभी आपको मैप के माध्यम से कि कहाँ कहाँ कौन से स्थल है, तो सिंध प्रांत में कहाँ है, पाकिस्तान में, और सिंध प्रांत में सिंध नदी के किनारे है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सिंध नदी, सॉरी सिंधु नदी, ठीक है। तो चंद्रदुर हमारा सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। इसे खोजकर्ता की बात करते हैं, ठीक है। 1931 में मजमूदार, ठीक है, इसका दो बार खोज हुआ है, 1931 में मजमूदार और 1935 में खोज किया इनका मैके, ठीक है। 1931 में सर खुदाई क्या मजमूदार के नेतृत्व में हुआ खुदाई, फिर 1935 में अर्नेस्ट मैके के नेतृत्व में खुदाई हुआ, ठीक है। अर्नेस्ट मैके बोल देते हैं इसका नाम, अर्नेस्ट मैके। अब आता है कि देखो चंद्रदुरो एक ऐसी स्थल है, एक ऐसा स्थल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भी यहाँ पे एक संस्कृति का जन्म हुआ, ठीक है, जो कि हड़प्पा जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति है उससे मिलता जुलता संस्कृति का एक यहाँ पे उदय हुआ था, ठीक है। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया इसके बाद भी यहाँ पे एक संस्कृति का निर्माण हुआ, उस संस्कृति को बोलते हैं झुकर, झुकर झांगर संस्कृति, ठीक है। मतलब झुकर झांगर संस्कृति जो कि हड़प्पा सभ्यता का कुछ गुण इसमें था, ठीक है। झुकर झांगर संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी यहाँ पे झुकर झांगर संस्कृति का यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ, ठीक है। तो ये भी डालते हैं। अब चलते हैं हम इसके नगर के बारे में देखते हैं और इसके दुर्ग के बारे में देखते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया कि इसका पूर्वी भाग को नगर बोलते हैं और पश्चिम भाग को दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग में जो प्रशासक वर्ग और पुरोहित वर्ग रहते थे, और हमारा जो पश्चिम, हमारा जो पूर्वी भाग था इसमें नगर में, ये नगर हो गया, ये हमारा दुर्ग हो गया, ठीक है। नगर की बात करें, नगर में माध्यमिक वर्ग के लोग रहते थे, कृषक रहते थे, व्यापारी रहते थे, और हमारा जो दुर्ग में रहता था प्रशासक पुरोहित वर्ग रहते थे जो चलाते थे सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। तो ये चंद्रदुरों की बात अगर करते हैं तो चंद्रदुरों में न नगर न दुर्ग दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है। मतलब चंद्रदुरों की बात करते हैं तो इसमें दोनों जो दुर्ग और नगर है ये कोई भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है। ये हम ये चंद्रदुरों की बात करते हैं, ठीक है। अब चंद्रदुरों में देखते हैं कि चंद्रदुरों से मिला क्या क्या है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रदुरों से मिला हमारा लिपस्टिक का परमाणु, लिपस्टिक, लिपस्टिक मिला है, कंघा मिला है, इत्र मिला, ठीक है। तो लिपस्टिक, कंघा, इत्र, अगर एग्जाम में पूछेगा कि लिपस्टिक का प्रमाण, कंघा का प्रमाण या इत्र का प्रमाण कौन से स्तर से मिला, तो हमारा चंद्रदुरों से, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या मिला है, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे ईट मिला है, ठीक है, ईट मिला है, उसमें उसमें बिल्ली का पांव है आगे और पीछे में कुत्ता का पांव है। तो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है बिल्ली और कुत्ता, कुत्ता कुत्ता पीछा कर रहा होगा, ठीक है, बिल्ली का, तो उसमें ईट गिर गया होगा, ईट गिरा होगा, तो इस पे पहले पांव पड़ा किसका, बिल्ली का, और पीछे कुत्ता का। तो इसमें बोला जाता है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साथ, ठीक है, ठीक है। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साथ कहां से मिलता है हमारा, ये भी हमारा मिलता है चंद्रदुरों से, ठीक है। अब यहां से हमारा मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। हम लोथल की बात किए थे तो लोथल में मनके बनाने का कारखाना था, लेकिन सबसे बड़ा कारखाना की बात करते हैं, ज्यादा एरिया में बात करते हैं, तो हमारा है यहां से चंद्रदुरों से मनके बनाने का कारखाना मिला, ठीक है। और यहां खासियत देखते हैं तो यहां पर से हमारा और यहाँ की बात हम करते हैं तो यहाँ पे हमारा मिला है बरका का वक्रकार ईटे, ठीक है, वो ईटे जो वक्रकार, वक्रकार आकृति का, ठीक है, ऐसे
यहाँ पर बैलकार ईंटे तो मिले ही, लेकिन साथ ही साथ कौन सा ईंट मिला यहाँ पे? वक्राकार ईंटे, वक्राकार जो मुड़ा हुआ, वक्राकार ईंटे। ठीक है, तो एग्जाम में आया कि वक्राकार ईंटे कहाँ से मिले हैं, तो ये भी चंद्रों से। लिपस्टिक कहाँ से मिला? चंद्रों से। मन के मन कर खाना कहाँ से? चंद्रों से। ऐसा कौन सा स्थल है जिसका ना दुर्ग ना तो नगर दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा हमारा? ये भी हमारा आएगा चंद्रों में। तो चंद्रों का सबसे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने कवर कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, तो हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारा कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा हमारा है कहां? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में। ठीक है, राजस्थान के गंगानगर में। ठीक है, तो ये राजस्थान में कालीबंगा और यहां गंगानगर में, और कौन से नदी किनारे है? तो गंगाहर नदी किनारे। नदी का बारे में देख लीजिएगा कौन सा स्थल कौन नदी किनारे में, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि यह स्थल कौन सा नदी किनारे है। तो कालीबंगा कौन सा नदी किनारे है? हमारा गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, अब इसे खोजकर्ता की बात करते हैं। इसे खोज किसने किया? तो इसे पहले खोज 1957 में किया था अमलानंद घोष ने। ठीक है, इसका खोज किया था 1957 में अमलानंद घोष। और अगर हम बात करते हैं इसे खुदाई कब हुई, इसे खुदाई 1960 में हुआ था हमारा बीके थापर के नेतृत्व में, बीके थापर। ठीक है, 1957 में अमलानंद घोष ने इसका मतलब खोज किया और 1960 में बीके थापर ने इसकी खुदाई की। ठीक है, अब यहां से देखते हैं यहां से मिला क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे पहले हम बनाते हैं इसके नगर और इसके दुर्ग के बारे में, ये मिटाते हैं। ठीक है, पूर्वी भाग को नगर बोलते थे, पश्चिम भाग को हम दुर्ग बोलते थे। अब एक ये ऐसा स्थल है, एक ऐसा स्थल है जहां पे देखिए मात्र ऐसा स्थल है कालीबंगा जहां दुर्ग और साथ में साथ नगर दोनों भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ, दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से। अगर एक रक्षा प्राचीर की बात करते हैं तो लोथल था, और दोनों रक्षा प्राचीर की बात करते हैं, दोनों मतलब नगर और दुर्ग दोनों रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ अलग अलग रक्षा प्राचीर से, तो हमारा ये हो गया कालीबंगा, जो कि हमारा कहां है? तो राजस्थान में। ठीक है, यहां से मिला क्या है? यहां सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करते हैं, यहां से मिला हुआ हमारा जूता व खेत। ठीक है, यहां से मिले हैं जूते हुए खेत। ठीक है, जूते हुए खेत। तो एग्जाम में आया कि जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिला है? तो कालीबंगा में। कहां से? कालीबंगा में। और बात क्या आता है कि जो यहां पे जो जूता हुआ था, जो नजदीक नजदीक में था जूता हुआ, नजदीक नजदीक में जो जो भी जूता हल्का जो मतलब है इसमें जो मिट्टी में, ठीक है, जूता हुआ, तो नजदीक नजदीक में चना बोया गया था, चना बोया गया था, चना लिखते हैं। ठीक है, चना बोया गया था। और जो दूर दूर में यहाँ पे जो हल्का बना हुआ है, ये दूर दूर में इसमें सरसों बोया गया था। ठीक है, जूते हुए खेत का प्रमाण कहां से मिलता है? तो हमारा मिलता है कालीबंगा से। और यहां से देखते हैं तो यहां से हमारा अग्निकुंड मिलता है। ठीक है, अग्निकुंड की बात करते हैं तो अग्निकुंड हमारा लोथल से मिला था और अग्निकुंड हमारा कालीबंगा से भी मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां से जो अग्निकुंड मिलता है इसकी संख्या कितनी है? 7। यहां से 7 अग्निकुंड मिला है। ठीक है, और बात कहते हैं तो यहां पे एक बच्चा का खोपड़ी मिला है जिसमें छेद है। ठीक है, एक बच्चा का खोपड़ी मिला है उसमें छेद है, जिससे हम बता सकते हैं कि यहां पे
यहाँ पे शल्य चिकित्सक, यहाँ के लोगों को शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था, शल्य चिकित्सा का भी ज्ञान था, क्योंकि यहाँ पे खोपड़ी मिला बच्चा का जिसमें बहुत सारे छेद है। ठीक है, तो यहाँ पे जूते हुए खेत मिला है, अग्निकुंड मिला है, शल्य चिकित्सक मिला है, और दूर और नगर दोनों भी एक ही रक्षा प्राची से, सॉरी अलग अलग रक्षा प्राची से घिरे हुए। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कालीबंगा में, तो कालीबंगा में हमारा मिला है यहाँ पे जो ईट मिले हैं, ईट ईट में बहुत सारा डिजाइन क्या हुआ, मतलब अलंकृत क्या हुआ, तो अगर एग्जाम में आएगा अलंकृत ईटों का साक्ष्य कहां से मिला है, अलंकृत ईटों का साक्ष्य। ठीक है, तो अलंकृत ईटों का साक्ष्य कहां से मिलेगा हमारा, कालीबंगा से। ठीक है, और बात करेगा तो यहाँ पे ऊंट की हड्डियां मिली है, ऊंट की हड्डियां। ठीक है, तो यहाँ पे हड्डियों का साक्ष्य मिला है जो कि ऊंट का है, तो ये कहां से मिला है, कालीबंगा। ऐसे भी राजस्थान में है, याद करने में कंप्लीट दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान ऊंट कहां चलता है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य हमारा कहां से मिला, हमारा कालीबंगा से मिला। और ये एक ऐसा स्थल था जहां में अधिकांश घर था जो हमारा कच्ची ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, बाकी और स्थल की बात करेंगे तो वहां पे ज्यादातर घर हमारे पक्की ईंटों से बने हुए, लेकिन जो राजस्थान के कालीबंगा जो है, इसके सारे घर, अधिकांश घर हमारा कच्ची ईंटों से बना हुआ है, यहाँ पक्की ईंटों का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं होता। और यहां बात करते हैं तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो लकड़ी का नाली मिला, मतलब मैंने पहले बताया था कि इसका ड्रेनेज सिस्टम सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही जबरदस्त था, जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त था, सारे घर से पानी निकालने का, ठीक है, पानी नाली में कैसे जाएगा उसका व्यवस्था बहुत ही अच्छा था। तो जो यहाँ का सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट विशेषता है कि यहाँ जो नाली मिला वो लकड़ी का मिला, किसका नाली मिला है, तो हमारा यहाँ लकड़ी मिला, सॉरी नाली मिला जो हमारा लकड़ी का मिला। ठीक है, तो कालीबंगा हो गया, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे धौलावीरा के पास, पहुंच रहे हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट स्थल धौलावीरा के बारे में चर्चा करते हैं, धौलावीरा के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं धौलावीरा है कहाँ। तो धौलावीरा भी हमारा, ये भी गुजरात में है। ठीक है, गुजरात के भचाऊ जिला में, ठीक है, गुजरात के भचाऊ जिला में है हमारा ये धौलावीरा। ठीक है, और ये पड़ता है कहाँ, कच्छ की खाड़ी में पड़ता है, कहाँ पड़ता है ये, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, और धौलावीरा के बारे में हम बात करते हैं तो धौलावीरा की खोज किसने किया, तो धौलावीरा खोज करने वाले का नाम था जगपति जोशी। जगपति जोशी महोदय ने धौलावीरा का खोज किया 1967 से 1968 के बीच में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसका खुदाई कब हुआ, जिसे खुदाई 1990 से स्टार्ट हुआ, अब धौलावीरा के बारे में हम अगर बात करते हैं कि ये एकमात्र स्थल था जहां दुर्ग तो था ही और हमारा ये नगर भी था, बीच में एक और स्थल था जिसको हम मध्यमा बोलते हैं। ठीक है, तो धौलावीरा एक ऐसा स्थल था जहां तीन तरह के स्थल पाए गए। ठीक है, दुर्ग, मध्यमा और नगर, तो पश्चिमी टीला, तीन टीले पाए गए, सॉरी पूर्वी टीला इधर जिसको नगर की संख्या दी गई, ये पश्चिमी टीला हो गया और ये बीच में मध्यमा हो गया। ठीक है, ये धौलावीरा का खासियत है। धौलावीरा की एक और खासियत है कि धौलावीरा था जो आयताकार शेप में था। धौलावीरा की अगर एग्जाम में पूछ देता है कोई सवाल
कि धौलावीरा का आकार कैसा था, तो ये आयताकार था, धौलावीरा का आकार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता का तो आकार मैंने पहले भी डिस्कस कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो त्रिभुजाकार है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता का वो नगर धौलावीरा, जिसका अगर हम शेप की बात करते हैं तो ये आयताकार है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा ये पश्चिमी टीला और मध्यमा के बीच में एक द्वितीय आकृति है, एक द्वितीय स्थल है जिसे स्टेडियम बोलते हैं, ठीक है, जहां पे खेल होता था स्टेडियम। तो अगर सवाल आया कि स्टेडियम का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो स्टेडियम का साक्ष्य हमारा कहां से मिलता है, धौलावीरा से, ठीक है। और धौलावीरा से बात हम करते हैं तो यहां पे एक नेम प्लेट मिलता है जिसपे 10 अक्षर है, ठीक है, इसमें 10 अक्षर लिखे हुए, 10 लीटर लिखा हुआ है, जो है जो लिपि जो अभी आज तक पढ़ा नहीं गया है, 10 सिंबल है द्वारा, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी लिपि था वो चित्रात्मक लिपि था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिपि है, ठीक है, आगे हम लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। तो 10 अक्षर का एक 10 लीटर का एक मिला है नेम प्लेट, तो कहाँ से मिला हमारा, धौलावीरा से, ठीक है। तो एग्जाम में पूछेगा कि नेम प्लेट कहाँ से मिला है, तो हमारा धौलावीरा से, ठीक है। और हम बात करते हैं कि धौलावीरा का 30% भाग पे, धौलावीरा के 30% जो भाग है, 30% जो भू भाग है धौलावीरा का, उस पे उसमें क्या बना हुआ था, 16 बड़े नहर, ठीक है, 16 बड़े तालाब और 2 नहर, ठीक है, ठीक है। तो 30% भूभाग है धौलावीरा का, उसपे 16 बड़े तालाब बने हुए हैं और 2 नहर बने हुए हैं। बरसात का पानी आता था, बरसात का पानी ये तालाब में जमा होता था, जब ज्यादा पानी होता था ये 2 नहरें थी, इससे पानी का निकासी होता था। तो हम कह सकते हैं यहाँ जल प्रबंधन का एकदम उच्च कोटि का विकास हुआ था, जल प्रबंधन का उच्च कोटि का विकास हुआ था हमारे धौलावीरा में। तो एग्जाम में पूछेगा वह कौन सा स्थल है जहां जल प्रबंधन का उच्च कोटि व्यवस्था देखने को मिलता है, ठीक है। तो धौलावीरा वह स्थल है जहां जल प्रबंधन का उच्च कोटि का व्यवस्था देखने को मिलता है, ठीक है। तो धौलावीरा में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसके बारे में डिस्कस कर लिए, और अगर इसके में कोई इंपॉर्टेंट होगा तो हम अपना जब पीडीएफ डालेंगे तो उसमें हम सारा मेंशन कर देंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने उसको कवर किया है इसमें। अब आगे हम अपने स्थल की ओर चलते हैं, दूसरे नेक्स्ट स्थल के और अंतिम स्थल की ओर, बनवाले की ओर, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली कहां हमारा, ये हरियाणा के हिसार जिले में, ये हमारा पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है। ये हमारा बनवाली है जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है, और इसका खोज हुआ था, सॉरी खोज किया था आर.एस. विस्ट महोदय, ठीक है। इस देखिए, इसके पहले हमने धौलावीरा देखे थे, धौलावीरा खोज किया था कौन, जगपति जोशी ने, और बनवाली है जो इसका खोज किया था आर.एस. विस्ट महोदय ने 1973 में, ठीक है। अगर इसमें बात करते हैं धौलावीरा की बात कर, सॉरी बनवाली की बात करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंट इसमें इसका क्या इंपॉर्टेंस, इसमें क्या क्या पाया गया है, तो हम इसकी बात अगर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मिला है अच्छे किस्म का हमारा इसमें जौ का साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो अगर कहीं पूछ दे एग्जाम में कि वह कौन सा स्थल है जहां अच्छे किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है, तो हम मेरा हमारा आंसर होगा बनवाली, ठीक है।
तो और आगे यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ क्या मिला है। यहाँ पे मिला है मिट्टी के हल की आकृति, ठीक है, मतलब खिलौना बना हुआ है मिट्टी के हल का, सॉरी मिट्टी का बना हुआ खिलौना जो हल का आकृति लिया हुआ है। तो मिट्टी के हल की आकृति हमारा कहाँ से मिलता है, तो हमारा ये मिलता है बनवाली से, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें है, जिसकी बात हम कर रहे थे, जल निकास प्रणाली या जल प्रबंधन की बात करते हैं, यहाँ अभाव है, ठीक है, जल निकास प्रणाली का यहाँ पे अभाव है, अव्यवस्थित है। तो जल निकास प्रणाली का अभाव देखने को मिलता है हमारा बनवाली में, ठीक है। तो एक एक करके अपने सातों नगरों की जो नगर का संज्ञा दिया गया था, तो सातों नगरों के बारे में हम डिस्कस कर लिए एक एक करके।